नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिडवाल ब्लॉग की एक और नई वीडियो में। सो आज की जो वीडियो है वो हम बनाने जा रहे हैं अपने आफ्टर मार्केट लगे हुए जो सिस्टम है या जो ये हमने स्क्रीन लगवा रखी है इस पे है। इस पे परसों धोते वक्त मैंने थोड़ा ड्राई क्लीन वगैरह भी करवाई थी गाड़ी अंदर से, तो उस वक्त क्या था कि शायद हल्का सा पानी चला गया था उस वक्त, तो उसके रिलेटेड भी हम आज वीडियो बनाएंगे। इसे खोल के देखेंगे कि कहीं कोई अंदर दिक्कत तो नहीं है ना। कोई दिक्कत होगी जब पानी पुनी होगा तो उसे साफ़ कर देंगे, क्योंकि अभी जो सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में क्या है कि अंदर पानी फिर इकट्ठा होके दिक्कत देता तारों वगैरह को। और जो वैसे भी आफ्टर मार्केट सिस्टम है तो इसे चेक करना ज़रूरी रहेगा। सो पहले इसे खोल लेते हैं दोस्तों। खोलने के लिए हम पेचकस का इस्तेमाल करेंगे, हल्का सा साइड पर इसे लगा के पुश करेंगे और थोड़ा सा जोर लगता है और एक ही झटके में क्या है जी ओपन हो जाता, जैसे कि आप देख रहे हो ये ओपन हो गया है। अब इसको क्या दूसरी तरफ से भी ओपन कर लेते हैं। ये लो, ये सारे का सारा क्या है बाहर आ गया है। अब सेंटर में देख लेते हैं, इसकी जो वायरिंग वगैरह हमने करवाई थी वो प्रॉपर ठीक है या नहीं। सो ये तो आ गई हमारी कंपनी की वायरिंग। ये देखो ये कंपनी की वायरिंग है, इसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है। और ये आ गई अपनी सिस्टम से वायरिंग आ गई। ये इससे जो भी होता था वो करवा के हमने, जैसे स्टेयरिंग वगैरह ऐड करवाया हुआ सो वो करवाया हुआ। और कंपनी की वायरिंग है मुझे ये, तो आई थिंक अंदर तो कोई पानी नहीं गया, अंदर गाड़ी बिल्कुल सेफ ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर से शायद चला गया था, लेकिन फिर भी देखना एक बार ज़रूरी है। सो यही थी आज की सिंपल सी वीडियो। एक बार आपको जानकारी दे दे, अगर कुछ ऐसा हो तो आप सिंपली तरीके से अपना सिस्टम जो है कंपनी का भी हो या आफ्टर मार्केट भी हो, आप आसानी से इसे ओपन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर कोई और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने का मौका मिला तो ज़रूर बनाएंगे।